नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है शिवाय एस्ट्रोलॉजर में। आज हम चर्चा कर रहे हैं दशम भाव में मंगल ग्रह के क्या परिणाम होते हैं उनके ऊपर। जिन भी जातकों का दशम घर में मंगल देवता विराजमान है उन सभी के लिए ये वीडियो देखना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम इस वीडियो में मंगल के कुछ परिणाम बताएंगे, साथ में हम कैसे फलित करें, क्योंकि फलित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जो मंगल है वो अलग अलग राशियों में होता है। आपके भाव तो दशम में होगा लेकिन अलग अलग राशियों में हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे वृषभ राशि आ रही है, आपके मिथुन राशि में हो सकता है, सिंह राशि में, कर्क राशि में, मेष राशि में, अन्यथा किसी भी राशि में हो सकता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग का प्रयोग करना है और आपको फलित करना है, क्योंकि जब आप फलित करोगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, उसके परिणामों के बहुत ही नजदीक पहुंच जाओगे। और नहीं तो आप जो है किताबों के अंदर, बहुत सारी किताबों में लिखे होते हैं कि दशम भाव में मंगल के क्या परिणाम होते हैं, उनको भी आप देख सकते हो, लेकिन वो जो सारे परिणाम है वो काल पुरुष की जन्म कुंडली को आधार मान के बनाए जाते हैं। जैसे कि काल पुरुष की जो जन्म कुंडली है वो मेष लगन की होती है और यहाँ पे दशम घर में मकर राशि आती है, तो मकर राशि के अंदर मंगल देवता जो है उच्च के होते हैं और केंद्र में विराजमान होने की वजह से वो जो है रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं। तो इसलिए आप जो है वो कुछ अनुमानित परिणामों को भी लीजिए और साथ में उसको फलित भी करिए। फलित करने के लिए हम नक्षत्र को देखेंगे, उप नक्षत्र को और उसकी सहायक कुंडलियों को भी प्रयोग में लेंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और अगर आपको जन्म कुंडली में मंगल देवता से प्रथम भाव से लेके नवम भाव तक के वीडियो देखने हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसके जो डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक मिल जाएंगे तो आप उनका भी लाभ ले सकते हो। तो प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। दशम भाव में मंगल देवता जो है बहुत योगकारक होते हैं, क्योंकि दसवां भाव कर्म का है और हमारा समाज जो है वो एक पुरुष प्रधान समाज है। हमारे समाज में जो है वो पुरुषों को ही काम करने का अधिकार मिला हुआ है। आजकल सारे लोग करते हैं, लेकिन जब जन्म कुंडली का निर्माण हुआ है उस समय से हम अगर माने तो यहाँ पे मंगल देवता जो है वो कर्म के मालिक बन जाते हैं एक तरह से, जैसे शनि जो है वो कर्म के मालिक, दशम घर के मालिक बनते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे योगकारक ग्रहों में मंगल देवता की भूमिका ज्यादातर स्ट्रांग मानी गई है। तो यहाँ पे मंगल जो है प्रायकर शुभ परिणाम ही देते हैं। यदि मंगल शुभ ग्रह की राशि में हो अथवा शुभ ग्रह से युक्त हो अथवा दृष्ट हो तो जातक को सभी कार्यों में सफलता मिलती है और वह यशस्वी तथा प्रतिष्ठित होता है। 18वें वर्ष में उसका शरीर जो है पुष्ट हो जाता है तथा धन एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। यदि बलि ग्रह से युक्त हो तो जातक भाग्यशाली तथा ईश्वर गुरु और भक्त होता है तथा इसके भाई दीर्घायु होते हैं। यदि मंगल दुर्बल हो जातक मनमोजी होता है, वैशनी होता है तथा अधिकार अथवा पद हानि पाने वाला होता है। यदि पाप ग्रह की राशि पर स्थित हो अथवा पाप ग्रह से युक्त हो अथवा दृष्ट हो तो जातक के कार्यों में विघ्न बाधाएं उपस्थित होती है। यदि गुरु से युक्त हो तो जातक बड़ा भाग्यशाली होता है तथा उसे श्रेष्ठ वाहन सुख प्राप्त होता है। यदि कर्क राशि हो तो सामने आकर जातक के व्यक्तित्व से सभी लोग प्रभावित होते हैं परंतु प्रोक्ष में निंदा करते हैं। ऐसे जातक को प्रोक्ष में दुर्वचन एवं अपयश की प्राप्ति होती है तथा इसकी स्त्री का गर्भपात भी हो जाता है। यदि मंगल मेष वृष कन्या वृश्चिक अथवा मकर राशि में स्थित हो तो वह कठोर परिश्रमी धैर्यवान अग्नि एवं शस्त्र का व्यवसायी बनाता है जातक को। और इसके अलावा दशम घर में मंगल देवता जो है वो रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं। रुचक नाम का पंच महापुरुष योग मंगल के दशम घर में उच्च का होने से, साथ में मंगल स्व राशि का हो और केंद्र में विराजमान हो तो जातक का जो है वो रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बनता है। इस योग में जातक का जो शरीर है वो बहुत ही सिंह जैसा और स्ट्रांग होता है। व्यक्ति पराक्रमी, प्रतापी, सूरवीर, शत्रु विजयी, साहसी, उद्योगी, विजयी और अच्छा नीति शास्त्र वाला होता है। लज्जाशील व्यक्ति होता है, स्त्रियों में प्रिय होता है, वाहन सुख संपन्न होता है, परोपकारी, स्वाभिमानी, शत्रु विजयी, महत्वाकांक्षी और दृढ़ निश्चयी होता है। प्रत्येक कार्य को पूरा करके छोड़ने वाला ही होता है। स्थायी संपत्ति को प्राप्त करने वाला और राजा के समान सुख भोगने वाला व्यक्ति माना जाता है अगर आपके रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बनता है आपकी जन्म कुंडली में। और इसके पश्चात जातक को 26वें वर्ष में, 28वें वर्ष में और 54वें वर्ष में जातक को शस्त्र अथवा शत्रु से भय होने का आसार जरूर बनता है। तो ये तो कुछ अनुमानित परिणाम थे जो हम दशम घर में मंगल के आंकलन कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है फलित करना, क्योंकि फलित करने से ही हमें पता चलता है कि एक्चुअलिटी में हमारा मंगल क्या परिणाम दे रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का एक जैसा राजाशाही परिणाम नहीं दे सकता।
कुछ लोगों के मंगल अच्छा भी होता है, कई बुरा भी होता है, तो उसी प्रकार हमें फलित करना चाहिए। तो सर्वप्रथम आप ये देखिए कि मंगल जो है वो आपका कितने डिग्री पे बैठा है। कुछ लोग जो है वो डिग्रियों से उसकी अवस्थाओं को कैलकुलेट करते हैं, आप उसको भी देख सकते हो। लेकिन अगर आप ये देखते हो कि जैसे यहाँ पे मंगल जो है वो 13.14 डिग्री पे बैठा है, यानी कि वो वृषभ राशि में बैठा है, तो इसके अंदर रोहिणी नक्षत्र चलता है, तो मंगल यहाँ पे रोहिणी नक्षत्र में है, तो मंगल जो है वो सबसे स्ट्रांग रिजल्ट देगा अपने इस घर का, और उससे भी स्ट्रांग देगा अपने नक्षत्र का। यानी कि मंगल का नक्षत्र कहाँ है, मंगल का नक्षत्र है चंद्रमा, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र है, रोहिणी का मालिक है चंद्रमा, तो चंद्रमा जो है वो लाभ भाव में बैठा है, यानी कि 10वें घर का सीधा संबंध 11वें से हुआ और 11वें का हुआ 12वें से, क्योंकि चंद्रमा की राशि जो है वो वहां पे जा रही है। अब इस मंगल की मूल त्रिकोण राशि को देखिए, 9वें घर में आ रही, तो 9वें का 10वें से, 11वें से और 12वें से, तो इसका क्या योग बनता है, 9वां 10वां और 11वां। तो मंगल जो है मशीनरी का कारक है, 9वां घर यात्राओं का कारक है, 12वां घर जो है वो लंबी यात्राएं हैं, साथ में इन्वेस्टमेंट है या भारी सामान को भी दर्शाता है, और ये 10वां घर कर्म है, और आपका जो 11वां घर है वो इसमें लाभ है, प्रोफेशन है, हर तरह से प्राप्ति है। तो आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम कर सकते हो, लोगों को विदेश भेजना, विदेशों से संबंधित काम कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हो, टूरिस्ट कंपनियां का काम कर सकते हो, जैसे अपनी खुद की टूरिस्ट कंपनियां, टूरिस्ट गाड़ियां चलानी, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लोगों को सामान भेजना, या फिर आप कोई बड़ा जो है जहाज है, या इस तरह का कोई भी ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ कार्य आप कर सकते हो, और मशीनों से भी जुड़ा हुआ काम कर सकते हो जहां पे मंगल एक्टिवेट होता है। इसके अलावा जैसे बड़े जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पे जो मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, उनको भी मंगल सिग्निफिकेट करता है, तो आप वहां और इस तरह का काम कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मंगल की जो नक्षत्र लोड है उसको देखना है, साथ में मंगल की राशियों को लेना है। आप देखिए यहाँ पे मैंने जैसे मंगल की राशि को लिया था, मूल त्रिकोण राशि जो है मेष राशि होती है, इसके अलावा वृश्चिक राशि भी होती है, तो आप वृश्चिक राशि को भी लीजिए, और इसके अलावा जिस नक्षत्र में बैठा है उसको भी लीजिए। साथ में अगर हम जिस तरह का परिणाम निकाल रहे हैं, जैसे कि क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि हर जातक जो है वो सिर्फ कर्म का ही परिणाम निकाले, वो बचपन में हेल्थ का परिणाम निकाल सकता है, खेल कूदने का निकाल सकता है, एजुकेशन का निकाल सकता है, हायर स्टडी का निकाल सकता है, वैवाहिक जीवन का निकाल सकता है, तो उससे संदर्भ में हमें उसकी जो सहायक कुंडली है उसका विवेचन करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए हमें विवाह का परिणाम निकालना है, तो विवाह के परिणामों में मंगल की क्या भूमिका रहेगी इस जन्म कुंडली में, उसको हम देखते हैं, तो उसके लिए हमें नवमास कुंडली के अंदर भी जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि मंगल देवता दशम घर में बैठे हैं, विवाह का घर होता है सप्तम भाव। अब सप्तम भाव में बुध और शुक्र बैठे हैं, बुध जो है वो दो शादियों को दिखाते हैं, क्योंकि ड्यूल साइन के मालिक है, और दो स्वभाव राशि का बुध जो है वो दो शादियों को दिखाता है, शुक्र जो है वो शादी का कारक है, बुध शुक्र की युति, बुध केतु की युति, ये संबंध विच्छेद करती है, साथ में शादी में दो शादियों को दिखाती है। अब इसी चीज को हम नवमास में देखेंगे, तो मंगल यहाँ पे स्वराशि का होकर बैठा है, लेकिन गुरु साथ में बैठा है, अब गुरु भी द्वि शादियों को दिखाता है, यानी दो स्वभाव राशियों का मालिक है, तो यहाँ पे हम ये आंकलन लगा सकते हैं कि इस जातक की मैरिटल लाइफ में कुछ तनाव है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो इस राशि का जो मालिक है वो द्वि स्वभाव राशि यानी कि धनु राशि में बैठा है, और द्वि स्वभाव ग्रह यानी कि गुरु के साथ बैठा है, और केतु के साथ भी बैठा है, जो यहाँ पे संबंध विच्छेदक का कार्य करता है। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं इस जातक की वैवाहिक जीवन में कुछ तकरार है, उस तकरार का कारण मंगल नहीं है, मंगल आप नवमास में देख सकते हो, लेकिन आप जब इस कुंडली को थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, मान लीजिए इसकी पहली मैरिटल लाइफ में गड़बड़ है, या ये जातक जो है वो दसवें घर में मंगल को देखता है, और यानी कि ये कोई घट विवाह या ऐसी कोई पूजा करवा लेता है, तो फिर इसकी शादी सेकेंड मैरिज में चली जाएगी, तो सेकेंड मैरिज का जो आधिपत्य बनता है वो मंगल बनता है। तो यहाँ पे मंगल जो है वो पहली मैरिज को खराब तो नहीं करता, लेकिन वो सेकेंड मैरिज की तरफ प्रेरित करता है, क्योंकि नवे घर का मालिक है, नवे घर से सेकंड मैरिज देखी जाती है, और सेकंड मैरिज का जो कारक है वो सप्तम भाव में अपनी स्व राशि का होकर बैठा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मंगल जो है विवाह में परेशानी तो नहीं करता, लेकिन दूसरी शादी के लिए प्रेरित करता है। अब पहली शादी को कौन खराब कर रहा है, वो लग्न कुंडली में बुध बना रहा है और आपकी नवमास कुंडली में गुरु बना रहा है, तो इस प्रकार हम इनके देख सकते हैं परिणाम। तो इस प्रकार हम मंगल देवता का विवेचन कर सकते हैं अपनी जन्म कुंडली में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।